के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश का गृह मंत्री माननीय श्री। गाना सुनिए, आनंद उठाइए, जी भर कर हंसिए, लेकिन वोटवा तो दुलारे पंकज भैया को दीजिएगा। ये पंकज सिंह कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? जो भी सवाल आपके जहन में है वो उचित भी है। आखिर ये किसके दुलारे हैं, किसके बेटे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन हर उस पिता का सीना तो तब चौड़ा हो जाता है जीते जी वो स्वर्ग के सुख भोग लेता है, जब वो अपने बेटे बेटी को बड़ा और अच्छा काम करने से अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। लेकिन पंकज सिंह का परिचय देने के लिए उन्हें अपने पिता के नाम का ही सहारा है। ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारा धर्म ये बताना है और आपका कर्तव्य ये जानना है कि आपका जनप्रतिनिधि बनने की हसरत पालने वाला शख्स है कौन। राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नोएडा की पब्लिक ही इन्हें नहीं पहचानती। पिछले दिनों नोएडा में यही हुआ। नोएडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह के छोटे भाई नीरज सिंह चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सेक्टर 68 पहुंचे, लेकिन उनके सामने धर्म संकट पैदा हो गया जब वोटर नीरज सिंह को ही पंकज सिंह समझ बैठे और नीरज सिंह ने मौके पर चौका मारते हुए इस गफलत में चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज जी, ये हमारे बीजेपी से प्रत्याशी हैं नोएडा के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नोएडा से अपने इसी बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए वोट मांगे। कहा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के हाथ का साथ पाकर चुनाव से पहले ही हार मान ली है। नोएडा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, पंकज सिंह का जीतना सुनिश्चित है। ऐसा भी नहीं कि नोएडा बीजेपी में समर्पित कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया, जो मजबूरन पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाना पड़ा, या फिर इन्हें टिकट मिलने की योग्यता कमोबेश ये रही कि ये बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह के बेटे हैं। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को परिवारवाद का ताना मारते हैं, लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि वोट दिल से नहीं दिमाग से देती है जनता, वही फैसला करेगी, है कि नहीं? कुछ गलत कहा हो तो बताइएगा। नोएडा से योगेश सोमकुंवर के साथ कुमार मयंक, APN।